हेलो दोस्तों, मैं अनिल सैनी और स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल इंजीनियर एट साइट पर। आप सोच रहे होंगे कि ये लेवल पाइप इंच टेप मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, तो आज हम करेंगे लेवल के बारे में कुछ बातें और मैं आपको इसमें सिखाऊंगा कि लेवलिंग कैसे की जाती है लेवल पाइप के द्वारा। तो दोस्तों, लेवल सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लेवलिंग हमें करने की कहाँ कहाँ पर ज़रूरत होती है। तो सबसे पहला हम ये देखते हैं कि लेवलिंग करने के लिए अगर हमें किसी भी, जैसे हमने चौखट लगाई है तो हमें उस चौखट को चेक करने के लिए कि वो चौखट सही लगी है कि नहीं लगी है, उसका स्लोप देखने के लिए कि वो अगर किसी एक डायरेक्शन में जो इंक्लाइन नहीं है तो हम उसको चेक करने के लिए लेवल पाइप का यूज़ करते हैं। अब जैसे कि मैं आपको चौखट दिखा देता हूँ किस तरीके से हम इसको चेक करते हैं। देखिए दोस्तों, ये एक चौखट का एक सिरा ये है और दूसरा सिरा है ये, तो हम इन दोनों सिरों को चेक करते हैं कि ये दोनों सिरे एक ही लेवल पे हैं या फिर एक डायरेक्शन में झुके हुए तो नहीं है, स्लोपी डायरेक्शन में तो नहीं है। इसलिए हम इस लेवल पाइप को लेवल करके देखते हैं कि अच्छे तरीके से चौखट लगी हुई है कि नहीं। तो दोस्तों, अब हम इस लेवल पाइप को सबसे पहले क्या करेंगे, इस लेवल पाइप को ले करके हम जो है इसमें पहले पानी भरेंगे। अब पानी किस तरीके से भरना है, पानी को हम क्या करेंगे, किसी भी बाल्टी में लेकर के या आपके पास कोई टैंक है उसमें डाल दीजिए। मेरे पास यहाँ पर अभी फ़िलहाल में टैंक है तो मैं इसमें एक सिरा इस टैंक के अंदर डाल दूँगा, तो ये क्या होगा, इस पाइप के अंदर जो पानी है ग्रेविटी फ्लो की वजह से नीचे से निकल जाएगा और पाइप फिलअप हो जाएगा। पहले हम पाइप फिल कर लेते हैं। ये एक सिरा मैंने इस टैंक के अंदर डाल दिया है और दूसरे सिरे पर अब हम देखेंगे कि ये पानी जो है जब निकलना शुरू हो जाएगा तो हम इसको यहीं से रोक लेंगे और फिर हम इसको लेवलिंग करेंगे। ये देखिए दोस्तों, पानी जो है ग्रेविटी की वजह से पानी पाइप से होकर के नीचे आ रहा है और इस पाइप में पानी हमें तब तक चालू रखना है जब तक कि इसमें एक भी बबल ना रहे, और जैसे इसमें सारे बबल ख़त्म हो जाएंगे तो हम इस पाइप को आगे से इस तरीके से मोड़ना होगा जिससे कि इसके अंदर बबल ना बने। इस तरीके से मोड़ करके हम उसके दूसरे सिरे को भी पकड़ लेंगे। देखिए दोस्तों, इस तरीके से पाइप को मोड़कर पकड़ने का कारण ये होता है कि दूसरे सिरे पर पानी बिल्कुल भी नहीं गिरेगा, चाहे अब आप इस पाइप को नीचे भी डाल देंगे तब भी पानी नहीं निकलेगा। इसलिए हम इस पाइप को इस तरीके से मोड़ कर पकड़ते हैं। जब हम इस पाइप को लेवलिंग करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना होता है, पाइप को सेटअप करने के लिए पाइप को मोड़े रखें वरना पानी निकलेगा तो इसमें बबल क्रिएट हो जाएंगे और लेवलिंग में प्रॉब्लम आएगी। दोस्तों ये देखिए, अब मेरे पास ये लेवल पाइप है, हमें इसमें चेक करना है कि अगर इस पाइप के अंदर बबल है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों सिरों को एक साथ मिला लेंगे। ये देखिए, अब इस पाइप के अंदर ये वाटर लेवल जो है हमारा, ये दोनों एक ही लेवल पर आ रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, जिससे कि हमें पता चल रहा है कि इस पाइप के अंदर एक भी बबल नहीं है। अब जितना भी मैं दोनों पाइपों को मूव करूँगा, दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे इस पाइप के अंदर एक भी बबल प्रेजेंट नहीं है। इससे क्या होता है, हमें चेक हो जाता है कि हमने पानी जो भरा हुआ है पाइप के अंदर वो अच्छे तरीके से भरा है और बबल क्रिएट नहीं हुए हैं। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं चौखट को कैसे मेज़र करना है चौखट के पास में। तो दोस्तों, हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक सिरे को इस लेवल पाइप के किनारे पर ले जाते हैं और इस किनारे पर ले जा कर के हम ये देखते हैं, जब तक ये एक पाइप का एक सिरा इस किनारे पर ना आ जाए तो हम इसको ऐसे ऊपर खिसकाते रहते हैं और दूसरे सिरे को उसी तरीके से हम क्या करते हैं, दूसरे सिरे पर इस तरीके से ले जाते हैं। अब हम ये देखते हैं कि ये दोनों एक ही लेवल पर हैं पाइप या नहीं। अभी हमें क्या है कि ये दोनों पाइप जो है अलग अलग लेवल पर, मैं इसको सेट कर रहा हूँ, तो हमने ये इस वाले सिरे पर देखिए मैंने ये सेट किया हुआ है। तो अब हम इधर देखते हैं कि हमारे लेवल पाइप में पानी किस तरफ है। ये देखिए, हमारे लेवल पाइप में पानी जो है इसमें भी दोनों इस ब्रिक मैसनरी के इक्वल है, तो हमें इससे पता चल रहा है कि ये चौखट जो लगी है बिल्कुल सही लगी है, लेवल में है, किसी भी डायरेक्शन में इंक्लाइंड नहीं लगी है। तो हमें पता चला कि इससे कि ये चौखट जो है हमारी जो बिल्कुल ओके है। हम दोबारा से चेक करते हैं कि हमारा उस टाइम पर चौखट को चेक करने के टाइम पर कि पानी जो है इसमें बबल क्रिएट हुए कि नहीं हुए, तो हम फिर से देख लेते हैं कि हमारा पानी जो उसी लेवल पे। अगर कभी बाय चांस इसमें पाइप के अंदर बबल क्रिएट हो जाते हैं, यहाँ पर ये छोटे छोटे बबल्स बन रखे हैं, हम इनको हटाने के लिए क्या करते हैं, इन पाइप को हल्का सा झटक देते हैं इस तरीके से, तो ये बबल जो होते हैं हमारे ख़त्म हो जाते हैं और पानी का लेवल भी जो है वो उसी जगह पर आ जाता है।
अब हम क्या करते हैं, हमने चौखट को चेक किया दोस्तों, उसी तरीके से हमें एक वॉल को चेक करना है कि हमें एक कमरे की वॉल दूसरे कमरे की वॉल के ये देखना होता है कि वो जो है इक्वल लेवलिंग में है या फिर ऊपर नीचे बनी हुई है। तो अब हम ये वॉल है एक तरीके से, हम इस वॉल को चेक करते हैं कि ये वॉल जो है, ये वॉल और वो वाली वॉल जो है सामने है तो दोनों इक्वल ही, लेकिन हमें ये चेक करना होगा कि ये कितनी नीची है या फिर कितनी ऊंची है। हम इसके अकॉर्डिंग, वैसे तो हम सामने वाली एक वॉल ये है, हम इसको भी चेक करके बताएंगे ये वॉल जो है कितनी नीची बनाई हुई है और ये कितनी ऊंची है, हम इंची टेप से मेज़र करके बताएंगे आपको। तो दोस्तों सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अब हम देखते हैं इस वॉल की मेसनरी जो हमने बनाई हुई है, हम इसको चेक करेंगे कि ये जो है अप डाउन है कि नहीं है। तो मैं अब क्या करता हूँ कि इस लेवल पे मैं इसको वाटर लेवल को मैच करता हूँ और फिर दूसरे सिरे पे देखूँगा कि वो कितने हाइट पर जा रहा है या कितना डाउन है। तो मैं यहाँ पे पानी को लेवल कर रहा हूँ, ये देखिए अभी मैंने क्या है, इस पानी को यहाँ पर लेवल पे इसी निशान के ऊपर में पानी को कर लिया है, आप देख सकते हैं ये आपको पानी दिखाई दे रहा होगा, मैंने इसी लेवल पर रखा हुआ है इस पाइप को। और अब हम दूसरे सिरे पर देखेंगे, दूसरे सिरे पर जो है कि पानी कितना नीचे है या कितना ऊपर है। तो आप देख रहे होंगे ये देखिए, यहाँ पर जो है पानी इतना नीचे आ रखा है, इसका मतलब ये है कि ये पानी जो है नीचे आ रखा है, तो जो हमारी वॉल है इनकी हाइट में डिफरेंस है। इससे क्या होगा कि हमें ये जो ये सिरा जो है, ये सिरा कुछ जो है नीचा है और जो ये सिरा है ये कुछ ऊंचा है, ये वाला सिरा जो है ये ऊंचा है, इसलिए ये जो पानी का डिफरेंस है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि पानी का लेवल जो होता है हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से एक ही लेवल पर रहता है। तो हमें इससे ये पता चल जाता है कि हमारी वॉल की हाइट जो है कहाँ पर ज़्यादा और कहाँ पर कम है। तो यहाँ पर जो हम इस लेवल पर अगर वॉल को लेकर चलते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाती है, पानी डाउन चला जाता है, तो हमें ये पता चल रहा है कि वॉल जो है हमारी वो उस तरफ ऊंची है। थैंक यू दोस्तों।